वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपने जूनियर क्लासेस में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ी है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ी है। वो रिएक्शन क्या होती है कि जब हम स्लो न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं तो वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं, दैट इज बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाते हैं, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्शन के। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी सारे टॉपिक्स में यूज होगी। ये रिएक्शन तो आपको याद करना ही करना है, या आपको टेस्ट पे करना ही करना है, इसलिए हमने ये न्यूक्लियर रिएक्शन यूज़ किया। स्टूडेंट्स, ये यूरेनियम 235-92 क्या था, ये टारगेट न्यूक्लियस था, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ये हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था जो इसके ऊपर आके बॉम्बार्ड किया था हमने, इसको हम बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ये हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में टारगेट न्यूक्लियस होगा, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा, और इस साइड प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक या दो नए न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, जिनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, और साथ में कोई न्यू पार्टिकल एमिट होगा साथ में। इट में भी न्यूट्रॉन, इट में भी अल्फा पार्टिकल, इट में भी एनी अदर पार्टिकल, तो साथ में एक आउटगोइंग पार्टिकल होगा बी। तो स्टूडेंट्स, ये चार चीज़ें तो कॉमन रहेंगी हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, एक टारगेट न्यूक्लियस होगा, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा, एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा प्रोडक्ट साइड में, और एक आउटगोइंग पार्टिकल होगा। एक्स इज टारगेट न्यूक्लियस, ए इज प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, जो ए जो है वो एक्स से टकराएगा, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, एक डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा, ए भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, और बी आउटगोइंग पार्टिकल होगा। तो मतलब यूरेनियम वॉज अ डिफरेंट थिंग, और जो प्रोडक्ट्स बने वो बिल्कुल ही अलग चीज है। मतलब जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस था उसके एनर्जी और कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी और कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमने एनर्जी को प्रोडक्ट साइड में लिखा Q। न्यूक्लियर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। या तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, या क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है तो हमें कई बार एनर्जी देनी भी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जितना एनर्जी का अमाउंट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्यू वैल्यू, तो सबसे पहले आपने एक न्यूक्लियर रिएक्शन की जनरल फॉर्म लिख देनी है। जनरल फॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शन की ये होती है, टारगेट न्यूक्लियस प्लस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल गिव्स यू डॉटर न्यूक्लियाई प्लस आउटगोइंग पार्टिकल। तो आपने क्यू वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है कि द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, इट्स क्यू वैल्यू। अब कैसे निकालते हैं क्यू वैल्यू, का फॉर्मूला क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्वल रहती है। मींस जितनी एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन थी उतनी ही टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन रहेगी। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑब्वियस होगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है टारगेट न्यूक्लियस, एक है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में भी हमारे दो चीजें हैं, एक है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई और एक है हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल बी। तो इन दोनों की एनर्जीज का सम और इन दोनों की एनर्जीज का सम इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर हमने एक्स की टोटल एनर्जी निकालनी है या वाई की, ए की टोटल एनर्जी निकालनी है या वाई की निकालनी है,
या बी की निकालनी है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी, चार पार्टिकल्स हैं, चार चीजें हमारे पास, एक दो तीन चार, दो रिएक्टेंट साइड में, दो प्रोडक्ट साइड में, अगर किसी की भी आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको दो एनर्जी से सम करना पड़ेगा, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी उस चीज की कंसिडर करनी पड़ेगी और साथ में उसमें रेस्ट मास एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे और रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले फॉर्मूले से आएगा। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट विल बी द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दीज एनी ऑफ दीज फोर थिंग्स विच आर हेयर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला हम एम सी स्क्वायर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे, तो हम चारों की अलग अलग टोटल एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले हम एक्स की निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक्स की टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, एक्स की टोटल एनर्जी होगी सम होगी किसका, काइनेटिक एनर्जी का और रेस्ट मास एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी एक्स की हम किससे डिनोट करेंगे, ई एक्स से, और उसकी रेस्ट मास एनर्जी, एक्स की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक्स का ले रहे हैं तो हम मास भी एक्स का लेंगे, एम एक्स इंटू सी स्क्वायर। तो एक्स की टोटल एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज ई एक्स एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स इज एम एक्स सी स्क्वायर। अब हम ए की बात करते हैं, ए के पास भी दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक होगी ए की काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ई ए से डिनोट करेंगे और ए की रेस्ट मास एनर्जी को हम डिनोट करेंगे एम एस सी स्क्वायर से। तो ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से हम प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, वाई के पास भी दो तरह की एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ वाई, दैट इज एम वाई सी स्क्वायर। उसी तरह से बी के पास भी दो एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी दैट इज ई बी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बी दैट इज एम बी सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, जितने भी वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उनमें 99.9% केसेस में क्या होता है, टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, टारगेट न्यूक्लियस की वेलोसिटी जीरो होती है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी जीरो टारगेट न्यूक्लियस की, इसका मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स हमने क्या लिया था, ई एक्स, उसको हम जीरो लेंगे क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस हम जनरली अज्यूम करते हैं कि वो रेस्ट में है। तो हम अगर ई एक्स को जीरो पुट कर दें यहाँ पर तो ई एक्स वाले हम टर्म लिखेंगे नहीं, बाकी हमने सारे टर्म्स लिखे हैं एज इट इज। उसके बाद आपने क्या करना स्टूडेंट्स, जो ई वाली टर्म्स हैं, ई वाली जिसके जहाँ पर कैपिटल ई आ रहा है उन टर्म्स को आपने एक साइड कर देना है, और जहाँ जहाँ एम आ रहा है ये दोनों टर्म्स एम एक्स सी स्क्वायर और एम एस ए स्क्वायर ये यहीं रहेंगे, इन दोनों टर्म्स को एम वाई सी स्क्वायर को एम बी सी स्क्वायर को इस साइड ले आइए तो ये माइनस में हो जाएंगी, और ई ए को उधर ले जाओ वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, मतलब साइड चेंज कर देंगे, ई वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे और एम और सी स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए की वैल्यू आ जाएगी, ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे जो आगे यूज होगी। स्टूडेंट्स क्यू वैल्यू क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपको क्यू वैल्यू को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है तो क्यू वैल्यू को हम मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में से अगर आप रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो तो आपको क्यू वैल्यू मिल जाती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी वाई की कितनी थी, ई वाई, बी की कितनी थी, ई बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स का सम कर दिया, माइनस करना हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स कितनी है, ई एक्स, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी है, ई ए। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि टारगेट न्यूक्लियस हम जनरली रेस्ट में लेते हैं, इसको हम रेस्ट में लेते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स जीरो लेंगे, अगर हम एक्स को जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स ई वाई प्लस ई बी माइनस ए की वैल्यू ये भी आ रखी है, और ई वाई प्लस ई बी माइनस ए की वैल्यू ये भी आ रखी है। फ्रेंड्स हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन और टू को, उससे हमारी क्यू वैल्यू निकल जाएगी रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को अगर हम कंपेयर करें तो क्यू वैल्यू की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको और इसको हमने कंपेयर कर दिया तो दैट क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। स्टूडेंट्स अब आपके पास क्यू वैल्यू के दो फार्मूले आ चुके हैं, एक आ चुका है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में और एक आ चुका है रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में। इसके बेसिस पे, इन दोनों फार्मूले के बेसिस पे हम दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, एक वो जिनमें एनर्जी रिलीज होती है और एक वो जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
तो स्टूडेंट्स हमने क्यू वैल्यू के दो फॉर्मूले निकाल रहे हैं, एक निकाल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एक निकाल चुके हैं रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में। अगर हम क्यू वैल्यू की बात करें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम क्यू वैल्यू की बात करें मास के टर्म्स में, तो वो होता है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स और ए आ रहे हैं, यहाँ पर वाई और बी आ रहे हैं, वाई और बी प्रोडक्ट्स होते हैं और एक्स और ए रिएक्टेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, या तो एक तरह की एक होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, एक होती है जिनमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। उस बेसिस पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दो नंबर में भी आ सकता है कि एक्सोर्जिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोर्जिक रिएक्शन क्या होती हैं। एक्सोर्जिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें एनर्जी लाइब्रेट होती है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है, एनर्जी निकलेगी इसमें, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी निकलेगी। एंडोर्जिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव देगी, क्यों? क्योंकि जब एनर्जी निकलेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव देगी। क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? अगर आपको क्यू वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मीन्स ये जो इन दोनों का जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स का, इट शुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना। अगर आपको क्यू वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, जो कि एक्सोर्जिक रिएक्शन में होती है क्यू वैल्यू पॉजिटिव, तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। इसमें हमने उल्टा करके लिख देना है, रिवर्स लिख देना है। एंडोर्जिक रिएक्शन में क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये जो सम आएगा काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट्स का वो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, तभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा। उस केस में अगर हमने इस केस में डिफाइन करें मासेस के टर्म्स में, अगर आपको क्यू वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब कि जो रेस्ट मास है, टोटल मास है जो रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट के टोटल मास से ज़्यादा आना चाहिए, तभी इन दोनों का जो डिफरेंस है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स एक्सोर्जिक रिएक्शंस के लिए जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, और एंडोर्जिक रिएक्शन में इसका ऑपोजिट होगा। अगर आपको क्यू वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो मीन्स जो मास होगा रिएक्टेंट्स का वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा इसमें वो नेगेटिव होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तभी आपका इन दोनों जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा और क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी। स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट टॉपिक में हम क्यू वैल्यू की डेरिवेशन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।